हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज की जो जॉब अपडेट है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। अगर बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका, यहाँ देख सकते हैं A-7/E-1/2021। अगर बात करें किस डेट को ये वैकेंसी क्रिएट हुई है तो 15/9/2021 को ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। अगर बात करें किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी क्रिएट हुई है तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 ये डिपार्टमेंट का नाम है। मीन्स इंग्लिश में बात करें तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021। मीन्स उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिसमें जो है आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए और प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट आज से ही स्टार्ट हो गई है 15/9/2021 को, और पेमेंट करने की लास्ट डेट है जो है आपकी वो 12/10/2021 को है, मीन्स 12 अक्टूबर को है। और फाइनल सबमिट करने की लास्ट सबमिशन की डेट अगर बात करें हम तो वो आपका 15/10/2021 को है। अब बात करें कि कौन कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो 105 रुपीज़ देना है, और जनरल कैंडिडेट एंड EWS/OBC कैंडिडेट्स के लिए 225 रुपये का फॉर्म का है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो डिसेबल हैं उनके लिए 25 रुपीज़ है, और एक सर्विस मैन के लिए आपका 105 रुपीज़ है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको विजिट करना है upsc.up.nic.in पे, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में जाके आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में जाना है। उसके बाद यूजर से तीन प्रकार के इंटरफेस आएंगे, यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई पे। तो आपको अप्लाई पे जाके इसे क्लिक करना है फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, यहाँ से देख सकते हैं आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी टोटल जो है अनरिजर्व्ड जनरल कैंडिडेट के लिए 5 सीट है, SC के लिए जो है 3 सीट्स है, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 4 सीट है, एंड EWS कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी 13 है। ओके सेकंड, अब बात करते हैं प्रोफेसर्स की। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल शाखा में बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है टोटल 238 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए जो है 93 सीट है, और SC के लिए 51 है, आप यहाँ देख सकते हैं 51 है, एंड ST के लिए जो है आपका 5 सीट है, OBC के लिए 63 है, एंड EWS कैंडिडेट के लिए 26 है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। तो इलेक्ट्रिकल में आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड नंबर पे, इलेक्ट्रिकल में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 213 है। ओके, एंड जनरल कैंडिडेट के लिए 81 सीट है, SC के लिए 40 है, ST के लिए 5 है, एंड OBC कैंडिडेट के लिए 55 है, EWS के लिए 32 सीट्स है। उसके बाद प्रोफेसर सिविल के लिए बात करें हम तो जनरल कैंडिडेट के लिए 43 है, SC के लिए आपका 29 है, ST के लिए 3 सीट है, OBC के लिए 36 है, एंड EWS के लिए 14 सीट है। तो टोटल प्रोफेसर पोस्ट की सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 125 सीट्स हैं। इसी प्रकार फोर्थ सीरियल नंबर पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 57 सीट है, SC के लिए जो है आपका 34 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 36 सीट है, एंड EWS कैंडिडेट के लिए 17 सीट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 145 सीट्स हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। तो केमिकल इंजीनियरिंग की आप यहां देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल जनरल के लिए 13 सीट है, एंड SC के लिए 11 है, ST के लिए जो है 1 है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 11 है, और EWS कैंडिडेट के लिए 11 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 47 है। ओके, कंप्यूटर की बात करें प्रोफेसर कंप्यूटर की तो जनरल के लिए 47 सीट है,
एंड एससी के लिए 27 सीट है, एसटी के लिए जो है 3 सीट है, एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 33 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीट है। टोटल जो है कंप्यूटर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 132 सीट्स हैं। ओके, पेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट है आपका, एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। ओबीसी की बात करें तो 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 2 सीट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पेन टेक्नोलॉजी के लिए 11 है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका 16 पोस्ट है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, और 8 पोस्ट है आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 1 है, एंड ओबीसी के लिए 8 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 36 है। इसी प्रकार टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन प्रिंटिंग की बात करें तो जनरल के लिए 5 सीट है आपका, एंड एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग के लिए 8 है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है 11 नंबर, आप देख सकते हैं प्रोफेसर कारपेट टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, एससी के लिए 2 सीट्स हैं, एंड एसटी के लिए 3 है, एंड ओबीसी के लिए 3 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, और आपका जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। इसी प्रकार बात करें लेदर टेक्नोलॉजी की, तो लेदर टेक्नोलॉजी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं, जिसमें से 4 पोस्ट आपकी जो है जनरल के लिए हैं, 1 एससी के लिए है, एंड 1 जो है आपका ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कोई सीट्स नहीं है। नेक्स्ट बात करें प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी की, तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 1 है जनरल के लिए, एंड 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। नेक्स्ट इसी प्रकार बात करें प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है आपका, केवल जनरल कैटेगरी के लिए है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट्स नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका प्रोफेसर डेयरी इंजीनियरिंग के लिए, तो डेयरी इंजीनियरिंग के लिए आप यहां देख सकते हैं 15 नंबर सीरियल पे, तो जनरल के लिए 5 सीट्स है, एससी के लिए 1 है, एंड ओबीसी के लिए आपका 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसी प्रकार बात करें आर्किटेक्चर की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, वो भी केवल आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग या ऑटो इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है जनरल के लिए, एंड 1 पोस्ट है आपका एससी के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 5 है ऑटो इंजीनियरिंग के लिए। इसी प्रकार टेक्सटाइल केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, जिसमें 2 पोस्ट जनरल के लिए है, 1 पोस्ट एससी के लिए है। इसी प्रकार 19 नंबर देख सकते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए प्रोफेसर के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है जनरल के लिए, एंड 1 पोस्ट टोटल है आपका एससी के लिए, एंड 1 पोस्ट है आपका ओबीसी के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। इसी प्रकार बात करें फार्मेसी की, तो फार्मेसी में आपका टोटल जनरल के लिए 11 पोस्ट है आपका, और 6 पोस्ट है एससी के लिए, एंड 6 पोस्ट है आपका ओबीसी के लिए, एंड 2 पोस्ट है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी प्रकार बात करें इंस्ट्रूमेंशन की, तो इंस्ट्रूमेंशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंशन में भी आप देख सकते हैं एंड कंट्रोल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है जनरल के लिए, 1 सीट है आपका एससी के लिए, एंड 1 सीट है आपका ओबीसी के लिए, एंड 1 सीट है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी प्रकार इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन की बात करें तो 1 सीट है आपका जो है जनरल के लिए, एंड 1 सीट है आपका वन सीट है एससी के लिए, एंड 1 सीट है ओबीसी के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसी प्रकार फुटवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है जो है, वो भी केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। इसी प्रकार केमिकल रबर एंड प्लास्टिक इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, वो भी केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, तो आप देख सकते हैं फिजिक्स की बात करें ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एंड मैथ के प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पे आप टोटल सीट्स देख सकते हैं, एंड पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन एंड जो है आपका वर्कशॉप्स के लिए भी सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1370 है।
इस प्रकार अब बात करते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर प्रिंसिपल के लिए बात कर लें हम, तो प्रिंसिपल आपका राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए, नॉर्दर्न रीजनल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो आपका जो है प्राविधिक शिक्षा या शोध में डिप्लोमा स्तर पर अध्यापन में न्यूनतम 16 वर्ष के साथ आपका अनुभव होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी होना चाहिए और कम से कम आपका 3 वर्ष का विभागीय जो है आपका एचओडी पोस्ट का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं कि प्रोफेसर पोस्ट के लिए, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 9 की रहेगी 56,100 से लेकर 57,000 पे लेवल 10 तक हो सकती है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप जो है बी या फिर बीटेक जो है आपका या फिर बीएससी होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके, तो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यही है, पे लेवल आपका 9 है, 56,100 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। एंड आपने अगर AICTE से आपने डिप्लोमा डिप्लोमा के साथ अगर एक्सपीरियंस है, या फिर अदरवाइज आपने अगर बीटेक या फिर बीएससी किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप सिविल इंजीनियरिंग में भी देख सकते हैं यहाँ पे 56,100 से पे लेवल 9 से आपका सैलरी होगा, और टोटल जो है आपका ग्रास पे लेवल 10 तक जा सकता है, जो कि 57,100 तक है। अगर आपने बीटेक किया है और बीएससी किया है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, तो फर्स्ट क्लास में मीन्स आपका मिनिमम जो है आपका 60% होना चाहिए, तब तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सभी ब्रांच जिनमें प्रोफेसर पोस्ट के लिए ऊपर वैकेंसी की मैंने बात की है, सभी में आपका रिलेटिव ब्रांच से आप बीटेक और बीएससी किए हुए हैं फर्स्ट क्लास में, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और आपका AICTE से जो है आपकी डिग्री अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसी प्रकार केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग एंड आपका जो है पेन टेक्नोलॉजी, इन सभी में जो है आपका बीटेक मांगा गया है, तो अगर आपने बीटेक किया तो आप इस फॉर्म को प्रोफेसर पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं सभी के लिए जो है, हाँ इंग्लिश एंड मैथ केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा इन्होंने जो है डिफरेंट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने UGC के जो है आपने क्लियर किया है नेट, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के लिए बात करें तो। ओके, अदरवाइज चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग है या फिर बीटेक अगर आपने किया है, तो ही आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज नहीं है आपकी डिग्री में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका 6.25 पर अगर आपका ग्रेड पॉइंट है, तो आपका जो परसेंटेज बनेगा वो 55% बनेगा। और जो आप देख सकते हैं अगर आपके यूनिवर्सिटी में जो है ग्रेड सिस्टम चलता है, तो उस हिसाब से आपका ग्रेड पॉइंट ये इस तरीके से है, तो आपका परसेंटेज कैसे चेंज होगा आप इस साइड देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही था। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आपका जो पेपर वन होगा आपका, उसमें आपके 25 प्रश्न जो है हिंदी के रहेंगे और 100 क्वेश्चन जो है रहेंगे आपके GK GS से रहेंगे, ठीक है, पेपर वन में। एंड पेपर टू में आपका जो है सामान्य अध्ययन के 125 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा पेपर वन में भी और पेपर टू में भी। तो टोटल जो है आपका 375 का पेपर वन होगा 2.5 घंटे का, और दूसरा पेपर होगा आपका पेपर टू, वो भी 375 अंक का होगा 2.5 घंटे का। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। ओके, अब बात कर लेते हैं व्याख्या मीन्स प्रोफेसर पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेपर पहला क्वेश्चन रहेगा जो है आपका 25 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा 75 अंक का। एंड
पेपर टू जो है अब मेन जो सब्जेक्ट है आपका वो 100 प्रश्न रहेगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और टोटल आपका 300 नंबर का होगा टेक्निकल से। अगर आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, इंटीरियर आर्किटेक्चर, इन सभी में बीटेक जैसा कि मैंने ऊपर पोस्ट में जिक्र किया है, उसके लिए आपका पेपर ये जो होगा मेन विषय से 100 प्रश्न रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, टोटल 375 अंक का होगा 2.5 घंटे का पेपर और 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। ओके, और जो सेकंड पेपर होगा आपका, ठीक है, सेकंड पेपर जो होगा आपका वो आपका जीएस में से 25 क्वेश्चन होगा 75 अंक का, और फिर पेपर टू होगा जो है आपका 100 मार्क्स का, मीन्स 375 नंबर का, मीन्स आपके दो पेपर होंगे 375 के और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो मीन्स आप टोटल जो है आपका जो पूर्णांक है वो 850 नंबर का है। पेपर वन आपको देना है 375 का, जिसमें हिंदी और आपके इंजीनियरिंग के आधे सब्जेक्ट रहेंगे, और पेपर टू में आपका जीएस रहेगा 25 क्वेश्चन और आधे सब्जेक्ट जो है आपके जो है टेक्निकल से रहेंगे। तो इस प्रकार से ये था, उसी प्रकार आप देख सकते हैं पुस्तकालय और अधीक्षक का भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।